अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। आज मैं आपको होममेड मायोनीज़ की जो है वो रेसिपी देने लगी हूँ। जस्ट 2 मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमें चाहिए होंगे और ये झटपट से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार से और यमी किस्म की मायोनीज़ तैयार होगी। इंस्टेंट जो है आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं और 4 से 5 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। और बाजार की जो मायोनीज़ होती हैं उसमें आपको पता ही है कि केमिकल्स होते हैं, वो भी ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर आप होममेड मायोनीज़ यूज़ करेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट होंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हमें एक अंडा चाहिए होगा और हमें 1 कप जो है वो हमने तेल ले लेना है और 1 चम्मच हमने नमक ले लेना है और 1 चम्मच के बराबर ही हमारा ये सिरका जाएगा इसके अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। झटपट से बनने वाली जो रेसिपी है उसके अंदर सबसे पहले हम 1 अंडा लेंगे और इसके अंदर 1 कप के बराबर हमने ऑयल डालना है। पहले इसमें थोड़ा सा, मुझे ज्यादा लग रहा है, पहले मैं इसको बीट करके देखती हूँ। इसके अंदर जो है वो 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने नमक डाल दिया है। ये जी, ये देखिए हमारी मायोनीज कितनी जबरदस्त किस्म की ये तैयार हो गई है। आपने इसका टेक्सचर देखा होगा कि ना ही बहुत रनी है और ना ही बहुत ज्यादा ठीक है। ठीक है, और अब हम जो है इसके अंदर इसको प्रिजर्व करने के लिए कि अगर ये आप 2 से 3 दिन तक आपने इसको फ्रिज में रखना है तो इसके अंदर हम सिरके के ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून मैंने इसकी क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो ऐड कर दिया। ये देखिए ये कितना जबरदस्त सा इसका टेक्सचर आया है और ये आप आराम से 2 से 3 दिन तक जो है इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपने कोई बच्चों को सैंडविच बना के देने हैं, कोई पराठा रोल्स वगैरह आपने बनाने हैं, तो आप ये बेस्ट किस्म की जो मायोनीज़ है ये आप निकालें और ये यूज़ करें और इंजॉय करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।